जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। एज अ पार्ट ऑफ संभव सीरीज आज बायोलॉजी का प्लांट इश्यूज डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस टॉपिक से तकरीबन यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं, जनता सोचती है सेल से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सेल से आते हैं जी, लेकिन टिश्यूज भी उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बारी क्वेश्चन आए हैं। आप रिसेंट एनडीए का पेपर 2022 का तो नहीं मैंने रखा, 22 में भी है, सीडीएस में भी है, ये एनडीए 2021 का क्वेश्चन है जी, ये सीडीएस 2020 का, सीडीएस 2020 दो में दे आर पुटिंग अप क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टॉपिक्स अगेन एंड अगेन इन सीडीएस पेपर, एनडीए पेपर, सीएपीएफ पेपर, याद रखिएगा। और टिश्यूज का टॉपिक मैं ये इस वीडियो के बाद आपको भी लगेगा दैट यू नो ईच एंड एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड, नहीं तो आपको ये याद भी नहीं होते, कुछ पता ही नहीं है हमें टिश्यूज के बारे, तो थॉरली कवर करेंगे इस सेशन में। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। मैं आज के जो टिश्यूज का टॉपिक है इसमें सिर्फ प्लांट टिश्यूज डिस्कस करो, दो वीडियोस आएंगी, एक प्लांट टिश्यू एक एनिमल टिश्यू, मैंने एनसीईआरटी का हर चीज आपको साथ साथ करवानी है सो दैट यू कैन कवर अप द थिंग्स। उससे पहले एक ये भी चीज याद रखिए, सीडीएस 1 2023 का ऑफलाइन मॉक टेस्ट हो रहा है हमारे अन अकेडमी सेंटर चंडीगढ़ में सेक्टर 34 में, जहां पर अब से ऑफलाइन क्लासेस भी लगेंगी अंडर माई सुपरविजन फॉर योर सीडीएस सीएफएफ एंड एनडीए, राइट? फ्रॉम द 3rd of April वी विल बी लॉन्चिंग द न्यू कोर्सेस। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज टिश्यू, इनके साथ क्लियर है जी। टिश्यू होता क्या, टिश्यू इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर कंडक्टिंग द सेम फंक्शन, सब एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उन चीज को हम टिश्यू कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। हमारी बॉडी में अगर एनिमल्स में बात करें, आपने सुना होगा ब्लड, दैट इज ऑल्सो अ टिश्यू। देन अनदर वन फ्लोएम, आपने प्लांट्स में सुना होगा जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है। मसल्स आर ऑल्सो टिश्यू, कार्टिलेजेस, ये सारे टिश्यूज हैं भाई, क्योंकि दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर परफॉर्मिंग अ सेम फंक्शन। सो सेम फंक्शन अगर ग्रुप ऑफ सेल्स आर परफॉर्मिंग, उस चीज को हम टिश्यू कहते हैं जी। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। अब अगर प्लांट टिश्यूज को मैं डिस्कस करूं तो दो प्रकार होते हैं जी, एक होते हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यू। मेरिस्टमैटिक टिश्यू का मतलब क्या है, ये समझना, ग्रोथ टिश्यू कहते हैं इनको, और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट मतलब देखेंगे इनको दो टाइप्स में बांटेंगे, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। यार ये सिर्फ अगर आपको नाम भी पता ना, 90% तो ये टेबल से ही खत्म हो जाएगा प्लांट टिश्यू का टॉपिक। और क्वेश्चन हर बारी है, हर बारी सीडीएस में, सीएपएफ में, एनडीए में आ रहे हैं, पर हैरानी ये है कि बच्चों को ये टॉपिक ही नहीं सुना होता यार, मेरिस्टमेटिक क्या होता है, ये परमानेंट क्या होता है, इसलिए वी आर नॉट एबल टू स्कोर। बट दिस टेबल स्नैपशॉट खींच लीजिए, साथ में मेरी फोटो भी, लेट मी स्माइल। अब जरा ठोकिए जरा, मेरिस्टमेटिक टिश्यू ग्रोथ टिश्यू कहते हैं ये। प्लांट में आपको पता, प्लांट हर जगह से ग्रो नहीं करता, कुछ पार्ट से ग्रो करता, लाइक इसका लेंथ बढ़ता है तो वहां पर मेरिस्टमेटिक टिश्यूज पाए जाएंगे। अगर यहां से ब्रांच निकल रही है, यहां पर मेरिस्टमेटिक टिश्यूज पाए जाएंगे। ये जो है फैल रहा है, इधर से मोटा हो रहा है, इसको भी मेरिस्टमेटिक टिश्यूज कहेंगे। क्लियर है जी। सो दे आर प्रेजेंट ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजंस, सो दे आर डिवाइडिंग टिश्यू, इसको मेरिस्टमेटिक टिश्यू, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर एट दीज पॉइंट्स। तो तीन प्रकार होते हैं, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। भाई इस पे ही क्वेश्चन कितनी बारी पूछ चुका। अगर आप एपिकल को समझे तो प्लांट ऊपर को ग्रो करेगा, यहां से या नीचे से, तो ये स्टेम्स पे या रूट्स के टिप्स पर होगा, विच इंक्रीजेस द लेंथ। क्लियर है जी। अगर गर्थ, गर्थ का मतलब ये जो तना, ये मोटा करना, तो इसके लिए क्या करते हैं जी, लेटरल। इसके लिए ये वर्ड याद रखना, कई बार ये पूछता जी, कैम्बियम कहते हैं, ये वर्ड याद रखिएगा जी। और थर्ड, ब्रांचेस जहां से नोड्स निकलती हैं उसको क्या कहेंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टमिज्म। तो ये तीनों मेरिस्टमेटिक टिश्यूज क्लियर है जी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं जी। एक और चीज, इनके करेक्टरिस्टिक्स पे भी क्वेश्चन आने के चांसेस। ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, अगर इससे पूछा, अगर टफ क्वेश्चन पूछना तो इनकी इस टिश्यू के करेक्टरिस्टिक्स। लेकिन अगर आप ये समझ भी पाओ कि यार कोई भी सेल है जिसको ग्रो करना, जहां पर ग्रोथ होगी, उनका साइटोप्लाज्म थिक होगा, एनर्जी चाहिए समझ लो साइटोप्लाज्म से आ रही, सेलुलोस थिन होगा, वॉल जो होगी वो पतली होनी चाहिए ताकि ग्रोथ होगी ना यार, अगर मोटी होगी तो ये ग्रोथ होने नहीं देगी, तो थिन होगी। न्यूक्लियाई प्रोमिनेंट होना चाहिए, न्यूक्लियाई होगा तभी तो ये डिवाइड करेगा, क्योंकि ग्रोथ आती कहाँ से, वहीं से। और वॉक्यूल्स होंगे नहीं, क्योंकि वॉक्यूल इसकी ग्रोथ को रोकेंगे। तो ये चार पॉइंट्स दिमाग में रखना। मेरे को पता क्या लगता है यार, अगली बारी पेपर को अगर टफ बनाना तो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज के करेक्टरिस्टिक्स वहां पर लिखेंगे, डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेलुलोस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई और लैक वॉक्यूल। तो ये चारों में से कौन कौन से, ऑल ऑफ दीज, या ऐसे कुछ ना कुछ चेंज करके वो बना सकता,
पर जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उनके लिए ये खतरा नहीं, ये बहुत आसान है। नेक्स्ट आइए, तो ये तो हमने ग्रोथ टिश्यूज देखे, अब जरा परमानेंट टिश्यूज को देखेंगे जी। क्लियर है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन, उस चीज को डिफरेंशिएशन कहते हैं। यही आपके पेपर में आया हुआ है। जब एक परमानेंट शेप साइज हो जाए और प्रॉपरली एक ही काम करते रहे, उसके लिए हम डिफरेंशिएशन वर्ड यूज करते हैं। इसमें सबसे कॉमन जो परमानेंट टिश्यू है वो पैरेन्काइमा है। क्लियर है? जिसमें स्पेशलाइज सेल्स नहीं होंगे, विद इन द सेल वॉल्स हैं सारे लिविंग सेल्स हैं, ये सभी में लिविंग सेल्स होंगे, ये भी याद रखेंगे। तो इसके टाइप्स हैं जी। अगर कोई वन विच इज हैविंग क्लोरोफिल और वो फोटोसिंथेसिस का काम आता है, उसको क्लोरेन्काइमा कहते हैं। इस पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा जी एनडीए में। और अगर हवा है, एयर कैविटीज हैं, एक्वेटिक प्लांट्स में हवा होगी तभी तो वो फ्लोट कर पाएंगे ना, तो उसके लिए कौन सा टिश्यू है? एरेन्काइमा। और अगर अनदर परमानेंट जिसके कारण फ्लेक्सिबिलिटी आती है प्लांट्स में, बेंडिंग होती है टेंड्रिल्स और स्टेम्स में, उसको हम कह देते हैं कोलेनकाइमा। तो ये तीन पेरेनकाइमा के टाइप्स कह दो, पेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। है कोई दिक्कत कोई मेरे प्यारे मित्रों? इसी के जो हमने पढ़ लिए हैं, ये दोनों चीज़ें समझ ली हैं, कोलेनकाइमा, एरेनकाइमा। ये अब जरा बात करते हैं अगले पे, जो कि दिक्कत है, स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है? जिसमें सेल्स डेड हों, प्लांट हार्ड करे, स्टिफ करे, जिसका एग्जाम्पल है हस्क ऑफ कॉटन। आपने पक्का नारियल का पानी पिया, नारियल के पानी के बाहर वो जो उतारता है वो बिल्कुल डेड सेल्स होते हैं, उसको कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा। तो वो टिश्यू के सेल डेड हैं, बाकी सभी के जिंदे हैं जी। और ये जो बनता है वो किस चीज़ का बना होता है? लिग्निन का। ये पेपर में आया हुआ, अभी दिखाऊंगा, सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा जी। एक और एडिशनल नॉलेज बताऊंगा जी, सेकेंडरी मेरिस्टेमिज्म भी होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जिससे बनता कॉर्क। अंदर अगर मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक ऊपर है, यहाँ पर सॉफ्ट सा होता है कॉर्क। आपने सभी ने वाइन की बॉटल या उस पर देखा होगा, शैम्पेन की बॉटल पे, वो किस चीज़ का बना होता है? ये याद रखना, सुब्रिन। ये वर्ड याद रखने, एक तो हमने दो वर्ड सुब्रिन और लिग्निन याद रखने, पेपर में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। कॉर्क और कोकोनट वाला याद रखना, लिग्निन और सुब्रिन। टिश्यूज का टॉपिक पढ़ रहे हैं भाई, नेक्स्ट आ जाओ। तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज में पैरेन्काइमा, ये सारे नाम कर लिए। अब जरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज देखेंगे जी, जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स मिलेंगे। ऑल दी सेल्स कोऑर्डिनेट परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। अलग अलग प्रकार के हैं, कॉम्प्लेक्स इसीलिए कहा जा रहा है, एंड देयर फंक्शन इज अ कॉमन वन। इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं जाइलम और फ्लोएम, और ये दोनों बेसिकली वेस्कुलर टिश्यूज कहा जाता है। वेस्कुलर टिश्यू होता क्या? जो ट्रांसपोर्ट का काम करे, एक तरह का वेसल्स की तरह काम करे, एज पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। आइए जरा जाइलम और फ्लोएम के बारे में बात करते हैं। जाइलम के नाम पहले तो याद रखिए, कौन कौन से टाइप। ये जो फिगर लिखा ना, ये बेसिकली एनसीईआरटी का लिखा, लेकिन इसमें मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, डायग्राम्स देखने का कोई फायदा नहीं, जो जो बता रहा हूँ इसको याद रखिए, दैट्स मोर देन इनफ। जाइलम के नाम जो है, इसके टाइप्स, वो जो कंसिस्ट ऑफ व्हाट, ये पेपर में एक बार ही पूछ चुका है, तो याद रखना। टीवी, ट्रेकियाड्स, वेसल्स, उसके बाद पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा हो गया और जाइलम फाइबर हो गया, ये चार याद रहेंगे जी। टीवी से ट्रेकियाड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। याद रखिए, ट्रेकियाड्स एंड वेसल्स हैव थिक वॉल्स एंड मेनी आर डेड सेल्स। ट्रेकियाड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, दे शो देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। ये भी क्लियर है जी। अल्टीमेटली जाइलम का काम क्या है जी? वेस्कुलर टिश्यू है जिसका काम है पानी को ट्रांसपोर्ट करना और मिनरल्स को, क्योंकि जब जमीन में आप मिनरल्स डालोगे वही पानी में घुल के ऊपर ट्रांसपोर्ट होंगे। सो दैट इज वॉट यू नीड टू रिमेंबर। मेजर इज इनके नाम। इसी प्रकार फ्लोएम के नाम देखोगे, सीव सेल, सीव ट्यूब्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और कंपेनियन सेल। ये पांच टाइप्स हैं फ्लोएम के भी। सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विद परफोरेटेड वॉल्स। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर, अदर आर लिविंग सेल। ये पॉइंट टू बी नोटेड है जी। फ्लोएम के सारे पार्ट्स में वो लिविंग है, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर जो कि डेड है सेल्स। ये पॉइंट टू बी नोटेड एंड डू रिमेंबर दिस वन। अब जरा एनडीए 2021 का क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इनटू स्पेसिफिक परमानेंट टिश्यू किससे होता है? सेल डिफरेंशिएशन से। अभी आपने पढ़ा, देखते जाइए क्वेश्चंस आप। सीडीएस 2020 में मैच्योर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैव व्हाट, इसमें पूछा, सेलुलोस वॉल आर एंड आर लिविंग। स्क्लेरेनकाइमा में पहली बात डेड होना चाहिए, अब ये हो गया। उसके बाद आपने देखा कि वो लिग्निफाइड होता है,
जिसको आप कोकोनट कहते हैं, तो लिग्निफाइड वाला आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है जी, फ्लोएम के बारे कौन सा करेक्ट है? ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, गलत है ना, ये तो फ्लोएम नहीं, ये करता है जाइलम। ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स, क्योंकि फोटोसिंथेटिक हुआ क्या, फूड ही तो हुआ, तो बिल्कुल ठीक है जी, बी आंसर होना चाहिए ना कि सी। इज अ सिंपल टिश्यू, ये भी गलत है क्योंकि आपने अभी पढ़ा, दीज आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, गिव सपोर्ट टू द प्लांट, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो आंसर शुड हैव बीन बी ऑप्शन, सीडीएस 2020 का, सीडीएस 2011 का। इन ड्राई रीजन्स द लाइफ साइज लीफ साइज ऑफ अ ट्री बिकम्स स्मॉलर, उसका कारण क्या है, इससे ट्रांसपीरेशन कम होगा, क्योंकि लीव्स में ट्रांसपीरेशन होता, पानी जाता है, जितने छोटे होंगे उससे कम पानी लीव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपीरेशन, ये सेम क्वेश्चन होगा, स्टोमेटा होगा जी, ट्रांसपीरेशन, पानी सारा कहाँ से जाता है, वहीं से। तो तकरीबन आप ये भी देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना आपको हेल्प करते हैं समझने में टॉपिक को क्या पूछता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस वीडियो से बाहर कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता आपके पेपर में, चाहे वो एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, और चाहे वो सीएफएफ का पेपर हो। जाइलम अगर मैकेनिकली ब्लॉक कर दे प्लांट में, तो विच ऑफ द पार्ट विल बी अफेक्टेड, प्लांट का कौन सा काम अफेक्ट हो जाएगा? ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स, जो घुलते हैं पानी में, मिनरल्स और पानी का, वो रुक जाएगा जी। आंसर बी ऑप्शन होना चाहिए। सीडीएस 2019 में ये भी चेक कर रहे हो, 18, 19, 20, 21, हर बारी टिश्यू से क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट, इंक्रीज द गर्थ ऑफ द स्टेम, तो वो मेरे भाई लेटरल मेरिस्टेमिज्म है। देखो कितना सिंपल, अगर किसी ने पढ़ा हुआ कि गर्थ बढ़ाने वाला, हाइट बढ़ाने वाला एपिकल है, और अगर गर्थ बढ़ानी है तो लेटरल, तो कभी क्वेश्चन रुक ही नहीं सकता। ये इंटर कैलरी नोट्स बनाने के लिए, क्लियर है जी। ये तो यहाँ पर है ही नहीं, ये जाइलम का पार्ट है। पेरिसाइकल 2-3 बार ऑप्शनों में डाला, पर हमने एनसीईआरटी में तो पढ़ा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनिमल टिश्यू का क्वेश्चन हमने बाद में करना जी, आगे बढ़ते हैं। मेन फंक्शन ऑफ इनर बार्क ऑफ अ वुडी प्लांट इज टू ट्रांसपोर्ट मिनरल्स एंड वाटर, एक्ट एज अ मेम्ब्रेन इम्परमेबल टू वाटर एंड गैस, एंड देन ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम हर्बीवोर्स एनिमल, द मेन फंक्शन ऑफ इनर बार्क ऑफ अ वुडी प्लांट। इस पे भाई चेक करिएगा, मेरे हिसाब से बी ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैमेज टू द एपिकल मेरिस्टेमिज्म ऑफ अ ग्रोइंग यंग प्लांट, एपिकल अगर हो गया तो लेंथ हैम्पर होगी, क्योंकि ना तो बढ़ेगा। ये देख लीजिए बार बार इसको घुमा रहा है, ये एनडीए के क्वेश्चन है जी, सभी एनडीए वालों तक ये पहुंचना चाहिए कि भाई टॉपिक आसान है। अगर आप बायो को भी पकड़ रहे हो, जीएस 600 नंबर की है जी, तो जीएस में मैं आपको ये भी कह सकता हूँ, वन कैन ईजिली रीच 400 मार्क्स विद द राइट गाइडेंस एंड राइट स्ट्रेटेजी, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रेकियाड्स वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ओके। फ्लेक्सिबिलिटी करेक्ट पूछा है, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू स्क्लेरेन्काइमा, गलत है ना, कोलेन्काइमा। पैरेन्काइमा हैव नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, गलत है ये भी। जाइलम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स, ये भी गलत हो गया। तो आंसर बेसिकली यही होना चाहिए, ए ऑप्शन। वंडरफुल क्वेश्चन आई कैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट कैन बी बेंट इजिली विदाउट ब्रेकिंग, और वो फ्लेक्सिबिलिटी आती क्यों है, कोलेन्काइमा के कारण। एनडीए 2020 में कौन से पार्ट का प्लांट टिश्यू का डेड सेल्स होते हैं, ये भी अभी पढ़ा, स्क्लेरेन्काइमा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इज डेड, अगेन स्क्लेरेन्काइमा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, तो करेक्टरिस्टिक्स भी पूछता जी, दे आर डेड टिश्यूज एंड फॉर्म वुड, डेड तो है नहीं मेरिस्टेमेटिक। दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट ड्यू टू देयर थिकेंड वॉल्स, ये ठीक है जी। अब देखते हैं, क्योंकि कोलेन्काइमा नहीं जी, कोलेन्काइमा मेरिस्टेमेटिज्म नहीं आता, वो परमानेंट टिश्यू है, ये भी गलत है, क्योंकि कोलेन्काइमा का काम है, दे आर प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ अ ट्री ओनली, ये अपने को पता नहीं। ग्रोथ अकर्स इन प्लांट्स ड्यू टू डिवीजन ऑफ सेल्स ऑफ दीज इश्यूज, आंसर डी ऑप्शन। वंडरफुल क्वेश्चन, एवरीबडी गॉट इट नाउ। नेक्स्ट आइए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स, फाइबर्स, ट्रेकियार्ड्स, पेरिसाइकल, सीव ट्यूब्स। ये फाइबर्स आपने पढ़ा, जाइलम में भी होता है, फ्लोएम में भी होता है, ट्रेकियार्ड्स भी पढ़ा जाइलम में, पेरिसाइकल नहीं पढ़ा, तो आंसर पेरिसाइकल होना चाहिए। एनडीए और सीडीएस दोनों के क्वेश्चंस आपने देखने हैं, ये इसीलिए आपके सामने रखे हैं कि आपको ये क्लैरिटी हो सके कि हमें कोई क्वेश्चन बैंक तीसरा नहीं चाहिए। अगर आप एनडीए के ही, क्योंकि हर साल 50 क्वेश्चन आने हैं उनके हर एक पेपर में, तो दोस्त मेरे को नहीं लगता आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख पा रहे हो, चीज़ें कवर कर पा रहे हो, आपका पेपर रुक सकता कभी भी, याद रखिएगा। सिर्फ मेहनत चाहिए,
एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं कि जो टफ डाल दें, बट अदरवाइज इट्स अ मोस्ट सिंपलेस्ट पेपर ऑफ योर इन दिस कंट्री। एनडीओ सीरीज को क्रैक करना आसान है अगर सही दिशा मिल जाए, सही डायरेक्शन मिल जाए। अगर बात करें नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, इट इज अ पैरेन्काइमा विच कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्लोरेन्काइमा का काम क्या है, जिसमें क्लोरोफिल होता है, यही है। इट सर्व टू ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक सोल्यूट्स मेड बाई फोटोसिंथेसिस, ये भी ठीक होना चाहिए। इट इज अ थिन ट्रांसपोर्ट विच इज चीफली अ प्रोटेक्शन लेयर। टू एंड थ्री ऑप्शन बन रहा तो मैं वही मारूंगा। वन वाला गलत लग रहा है, पैलिसेड एंड स्पॉन्ज, ये मेरे को पता ही नहीं है भाई, हकीकत तो ये है, इसलिए मैं कह रहा हूँ टू एंड थ्री। बट इट्स दिस क्वेश्चन यू कॉन्ट से कि इट इज फ्रॉम एनसीईआरटी और फ्रॉम द नोट्स। वन और टू क्वेश्चन कैन बी देयर, बट फिर भी जो साइंस बैकग्राउंड से, जो बायो बैकग्राउंड से, प्लीज एक बार आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का। आखिरी अनाउंसमेंट है जी, 1+1 ऑफर है इस समय अन अकेडमी पर। आप 1 साल की सब्सक्रिप्शन अगर ले रहे हैं तो आपको 1 साल की फ्री मिल रही है, तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा इस कोड को लगा के, प्रतीक तक्षला, सो देट यू गेट अ 20% ऑफ ऑन अन अकेडमी, राइट? 20% क्या, इस समय आपको 1+1 ऑफर भी मिल रहा है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक करिएगा जी, क्योंकि अगला वीडियो होगा एनिमल टिश्यूज पे, उस पर भी हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, और आपको ये भी दिख जाएगा हर बारी यूपीएससी क्वेश्चन बना रहा है, टॉपिक वही है, उन्हीं को ही घुमा घुमा के आपके ऊपर क्वेश्चन डाल रहा है जी। थैंक यू, जय हिंद एवरीवन।